सब्सक्राइब करें हमारी चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड, ये सब हूँ कुछ चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे वन प्लस ई 1003 में एफ आर पी लॉ है, उसको इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें शायद नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसमें बारीक से हाँ दिखाई तो दी है, आप देख सकते हैं सेम मॉडल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा फ़ोन, तो नेक्स्ट करके वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। ये मेरा वाईफाई है, कनेक्ट कर देता हूँ। ऑप्टेन आईपी एड्रेस ये हो गया कनेक्टेड, थोड़ा वेट करें, चेक कनेक्शन हो रहा है। ऐसे ही आपको अगर हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल DSM हेल्पलाइन को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अब आपको ये देखते हैं आप ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को सिलेक्ट करें, कोई भी वर्ड्स टाइप कर ले, उस पर डबल क्लिक कर दें तो ऐसा आएगा। इसमें ये 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करें, इसमें असाइंड जो लिखा है वहाँ पर क्लिक करें तो एक मेनू आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको सिर्फ क्रोम लिखना है, ऑटोमेटिक क्रोम आ गया। यहाँ पे टेस्ट DCP एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेस्ट DCP ऐप। तो EP के मिरर वाली में आप पसंद करें क्योंकि वो फास्ट डाउनलोडिंग है और लिंक भी इसमें सही रहती है, वर्किंग लिंक रहती है। फिर आप नीचे जाके ये रहा डाउनलोड पे क्लिक करें, यह डाउनलोड भी स्टार्टिंग, थोड़ा वेट करें जब तक चालू नहीं होगा। ये हो गया चालू, ओके पे क्लिक करें, ये हो गया ओपन। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को। इंस्टॉल किया, ओपन पे क्लिक करना है, सेटअप मेरे प्रोफाइल पे सेटअप करें, सेटअप करें, इंक्रीज पे क्लिक करें। यह बोल रहा है कि भाई प्लग इन योर चार्जर एंड ट्राई अगेन, तो हम उसमें चार्जर प्लग करेंगे तभी ये इंक्रीज फोन का ऑप्शन शो होगा। तो हम ये किया प्लग, ये हो गया शो ऑप्शन इंक्रीज फोन, तो इंक्रीज फोन पे क्लिक करेंगे। बस एक ही बार करना है, फिर आप निकाल दोगे तो भी चलेगा। तो ये फोन मैं नीचे रखता हूँ, कैमरा भी थोड़ा नीचे करता हूँ जिससे आपको मालूम पड़े। थोड़ा वेट करें, नॉर्मल में आ जाता है तो मैं आपको वीडियो अभी पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर शो करूँगी, बताऊँगा। पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियो आ गया है तो थोड़ा कैमरा सीधा करके मैं आपको सब बता दूँ। लेता हूँ बाद में फोन, सेटअप पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, फ़ोन को ये रिबूट करना है, रिबूट करके नॉर्मल में आ जाए तो फिर स्क्रीन नॉर्मल आ जाएगी। ये सब पूछेगा नहीं, ईमेल एड्रेस पासवर्ड
ये फोन आप देख सकते हैं नॉर्मल में आ गया है। तो क्या करना है आपको, जस्ट रिसेट करना है सेटिंग में जाके। बैकअप एंड रिसेट पे क्लिक करना है। बैकअप में रिसेट, रिसेट फोन, रिसेट एवरीथिंग, ये हो गया है आपका FRP लॉक रिमूव। ऐसे ही आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।